यार मेरे पास कुछ स्पेसिफिक इंट्रो लाइन तो है नहीं, तो वैसे आप सब लोगों को सलाम। और आज की इस वीडियो में यार फ्री चिकन डिनर वाला जो परसिस्ट वाला जो अचीवमेंट है हमने वो अनलॉक करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अनलॉक हमारी हो जाती है, मगर यार काफ़ी ट्राइज के बाद, बहुत ट्राइज किए। पहले हम रेंगल मैप में खेलते रहे काफ़ी देर तक, मगर वहाँ कुछ हुआ नहीं, तो फिर हमने सोचा कि अब हम लगाते हैं ग्रीनवुड मैप में। तो यहाँ भी हमने लगाया काफ़ी, दो तीन ट्राइज के बाद ही यहाँ पर भी हुआ है, तो काफ़ी हमें टाइम लग चुका है। तो देखें वीडियो एंड तक, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें। अच्छा यहाँ पे मैं लॉबी में जब आया ना, तो ये एक आंटी खड़ी है, आंटी जाएँ यहाँ से, आंटी भाग गई। तो अच्छा यहाँ पे ये सीन था कि मेरे पास ग्रीन कपड़े हैं, मगर मैंने वो पहने क्यों नहीं मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे पहनने चाहिए थे बहरहाल, क्योंकि यहाँ पर घास में लेटना है। मेरे पास हेलमेट की स्किन भी ग्रीन है, एपिक स्किन है, किसी के पास है ही नहीं बहरहाल। अच्छा अब मैं यहाँ पर ग्रीन कपड़े ढूंढ रहा था कोई मिल जाए, मगर ये ब्लैक वालों से भी मेरा काम हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ब्लैक ले लेते हैं किसी से, क्योंकि इसमें बार्गेनिंग हो जाती है, आप किसी को अपने कपड़े उतार के दो तो वो अपने उतार देते हैं, तो ये अच्छी बात है यार, इसको आप बुरी सेंस में ना लेके जाएं तो वैसे अच्छी बात है। तो मैंने कहा यार ये ब्लैक वाला बंदा मुझे अपने कपड़े दे देगा, मैं इसको अपने उतार के दिए, इसने मुक्का मारा और कपड़े दे दिए। अच्छा मैंने इसके पहन लिए, तो ये जो आंटी हैं, पता नहीं आंटी अंकल हैं ग्रीन कपड़े वाले, यही कपड़े चाहिए थे मुझे और ये मुझे मिल गए। मेरे पास हैं ये, मगर मैंने पहने नहीं थे, वही मैं आपको बता चुका हूँ, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमें। तो मैंने सोचा हुआ कि मैं साइड पर उतरूँगा बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ट्राइज में भाई बॉटों से भी अब डर लगता है, क्योंकि बॉट ही मार देते हैं अक्सर, क्योंकि हम एक गोली भी नहीं मार सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए अब पहले मैंने सोचा कि लग्जरी हाउस के पास एक जगह है वहाँ जाता हूँ, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि भाई वो कतई डेंजरस जगह है। लॉबी भी आप देख सकते हो 30-30 RP, आपके भाई का नाम सबसे टॉप पर आया, तो फिर मैंने कहा फार्म लैंड चलते हैं साइड पर सुकून से। अब हम जंप करेंगे फार्म लैंड। मेरे पास प्लेन की स्किन नहीं है, क्योंकि मैंने पास अभी रिसेंटली ख़रीदा है, पहले नहीं ख़रीदा, तो जब स्किन इसमें इस सीज़न में नहीं थी स्किन। तो यहाँ पे लैंड हूँगा, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, कोई बॉट भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं होगा, अच्छी लूट भी कोई इतनी ख़ास नहीं होगी, मगर बॉट वगैरह कोई कुछ नहीं होगा, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, वरना ऐसे ही भागना पड़ जाएगा यहाँ से। ये आप मेरे पैराशूट की स्किन चेक करें, ये हमने चाइना से इंपोर्ट करवाई है, सॉरी चाइना से इंपोर्ट कराई है, और का वेल बनी भी है ऊपर। यार जो पबजी लाइट खेलते हैं उनको तो पता होगा, वैसे जो खेलता है वही देखेगा हमारे चैनल पे आके, कोई और तो नहीं आएगा बहरहाल। चलो यहाँ पे भाई लूट करनी थी, पेन किलर वगैरह मिलते हैं, कोई ख़ास अच्छी लूट नहीं मिली यार, वरना यहाँ पर अक्सर सिरिंज मिल जाती है, यहाँ पर इस मैप में होती है सिरिंज, मगर मुझे नहीं यहाँ मिली, हम अभी फिरते रहेंगे। तो अच्छा एक बात और आप लोगों से करनी थी कि हम ना लोगों को चैलेंज दे रहे थे बार बार के आए यार आप हमारे साथ TDM लगाओ, क्योंकि TDM की गेम मेरी अच्छी है। तो हुआ ये मेरे साथ कि मैंने TDM का रूम इससे पहले नहीं ख़रीदा था, तो मैंने रूम ख़रीदा, और रूम ख़रीदने के बाद चैलेंजर मेरा एक और फ्रेंड है, PUBG SL का प्लेयर है वो, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उसका भी चैनल है, तो उसने कहा यार मैं कोलैब करते हैं, आ जाओ आप वीडियो बना लो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप PUBG LITE में आकर आपको चैलेंज करूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आ जाओ कर लेते हैं भाई। मैंने फुल ज़ोरों शोर से पैसे पकड़े, जाके BC ख़रीदा, उसके बाद एक पास ख़रीदा, रूम ख़रीदा। जब रूम ख़रीदा तो उसमें TDM की ऑप्शन ही नहीं थी। अब वो बेचारा मेरी शक्ल देख रहा, कहता है भैया आप ऐसे सबको लिखते फिर रहे हो, ऑप्शन तो है नहीं इसमें रूम की। उसमें फिर डुओ की ऑप्शन थी, और उसकी ऑप्शन थी कि डुओ स्क्वाड या सोलो मैच की, TDM की नहीं थी यार, ये PUBG वालों को डालनी चाहिए, लाइट वालों को। तो फिर हमने डुओ मैच लगा लिया, तो उसमें भी हार ही गया आपका भाई, हार जीत तो होती रहती है यार। हारा मैं इस तरह था कि मैंने अपने साथियों का यार मैंने नेड किया हुआ अपना जो वहाँ पे, वो भाग के चला गया बस, फिर मर गए। असल के थे सारे रूम में मेरे फ्रेंड्स ही थे सारे, क्योंकि मेरे अक्सर फ्रेंड्स कंकरर लॉबी के हैं और एस है, तो सारे वही थे प्लेयर थे, बॉट शॉट कोई भी नहीं था, एक भी नहीं था बॉट, मर गया फिर हम। उसने वो ग्रेनेड पर चला गया, उसको ग्रेनेड से नॉक हो गया, मैं उसके पीछे गया उसको रिवाइव देने के लिए, एक बंदा मैंने नॉक किया, दूसरे ने मुझे नॉक कर दिया, नॉक खैर क्या पेल ही दिया सीधी ज़रा, ख़त्म फिर किस्सा, 100 BC ज़ाया हो गए मेरे। चलो खैर है यार, तो असल PUBG भी हम नहीं खेलते यार, क्योंकि 30 मिनट का बड़ा लंबा मैच चला जाता है, उसमें बंदा 30 मिनट तक खेले और फिर एंड पर मर जाए, तो भाई इतना पेशेंस नहीं है। और ये देखो हेलमेट की स्किन चेक करो, ऐसे ही आपको कहीं देखिए आपने किसी प्लेयर के पास, बड़ी रेयर है, बड़े से मैंने बड़े BC लगाए थे इसके ऊपर, बड़ी मुश्किल से मिली थी। अच्छा भाई चला था भाई, मैंने आपको बताया कि यार कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ तक आए थे,
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रेंगल मैप में जो हमारा हशर हुआ कि किस तरह हमने एंड तक गए और किस तरह की स्ट्रगल हुई, चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, हम वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बहर एंड में वहाँ पे बेस लॉबी वहाँ पे भी थी, मगर वहाँ घास कम होती है तो बंदा एंड पे लेट नहीं सकता, कहीं पे प्रोन नहीं हो सकता। और फिर अक्सर उसमें बनता था घरों में, वैसे जब हम आम रूटीन में खेलें तो घास पे बनता है, वैसे आप घरों में बन रहा था 3-4 दफ़ा, पता नहीं क्या अनफेयर हो रहा था हमारे साथ। तो घास पे बनता था, बंदा लेटता था तो बस फिर अगले बंदे मार देते थे देख के। तो वो वीडियोज़ मेरे पास हैं, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करेंगे तो वो हम डाल देंगे, कोई मसला ही नहीं। और इसके अलावा इसमें भाई काफ़ी मेहनत की, मगर इसमें अच्छी बात ये हुई थी कि एंड पे हमारा कोई लक अच्छा था, जिस तरह स्टार्ट में हमें ग्रीन सूट मिल गया था लक अच्छी थी, तो इसी तरह एंड वाला प्लेयर के साथ भी हमारी लक अच्छी हो गई थी, तो इसलिए हो गया, वरना बड़ा ही मुश्किल है यार। अगर आप टिप चाहते हो इसके बारे में तो यही सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप ना ग्रीन कपड़े हैं आपके पास और घास वाली जगह ज़्यादा प्रेफर करो, और मेडिकेट और बैंडेजेस और जो कुछ आपको मिल सकता है ना, जितनी ज़्यादा उठा सकते हो उठाओ, बैग में बस वही भरो। और गन ना उठाना यार, गलती से अगर कहीं फायर हो गया ना किसी बंदे को, बॉट वगैरह को, हमें लाइफ तो नहीं नज़र आती ना ऊपर की कितनी है, तो अगर उसे लग गया तो बस भाई उसको एक गोली लग गई, वो नॉक हो गया, वह किस्सा ख़त्म, फिर आपकी मेहनत एंड तक जाने की ख़त्म। तो गन ना उठाओ, ऑटो पिकअप ऑफ कर, तो आप देख रहे हो कि मैं खुद दबा दबा के चीज़ें उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑटो पिकअप ऑफ किया हुआ है सेटिंग्स में से। बेस्ट है आप लोग भी ये ऑफ़ कर दो ताकि फिर बंदा कोई उठाए, गन खुद ना उठाए बंदा, जो आप कुछ जो क्लिक करोगे वही उठाएगा। तो मेरे दिमाग में था कि मैं यहाँ से जाऊँगा ड्रॉप पे लेवल 3 की वेस्ट हेलमेट और ये चीज़ें वगैरह लेके, फिर हम घिली सूट अगर हुआ तो वेल एंड गुड। तो यहाँ से मैंने कहा थोड़ी बूस्टर वगैरह मिल जाए, तो बूस्टर नज़र आया वो पकड़ा और हम गाड़ी में। फिर पबजी में ना सॉन्ग्स लगते हैं गाड़ी के साथ, तो हमने कहा इसमें भी लगा दें। यहाँ पे ना एक कभी हमने पैन से टायर फाड़ के नहीं देखे, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, और वो वाकई फट गए, पहले ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया था। वैसे ये एक चुस्सी मारने उतरा हूँ मैं, अब हम वापस जाएंगे गाड़ी की तरफ अपनी। यार ये ना स्कार्फ उतारना था तो वैसे उतार दिया, गर्मी लग रही थी बंदे को। यार ये गाड़ी असल में बहुत वॉबल हो रही थी, तो मैंने कहा इसका एक टायर फाड़ देते हैं तो उससे ज़रा ये बैलेंस हो जाएगी, तो वाकई हो गई थी ये। Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. Бай, я мне утрана, то кафе банде а чуке се дроп ки тараф. तो लेवल 3 की मैंने चीज़ें उठाई, मैंने भागने की कोशिश की, फिर याद आया वो देखो वो पत्थर के पीछे बंदा था, मैंने घिली सूट उठाया, मेडिकेट नहीं थी फुल, मैंने कहा चलो खैर है भागो यहाँ से। तो फिर मुझे याद आया कि मैं ओम की गोलियाँ उठा लेता ताकि कोई और ना यूज़ कर सकता ओम, और फिर एंड पे अगर जोन में वो बचता तो फिर मुझे मुश्किल होती, फिर मैंने कहा चलो नहीं उठाई। अब एक पबजी लाइट में बड़ा नुकसान है कि अगर ये बगी उलट जाए ना, अब देखो मेरी फ़्लिप करके सीधी हो जाएगी, अगर थोड़ी देर और ये उल्टी रही ना तो फिर धमाका हो जाएगा, फिर बंदा गया पेटी।
तो अब यहाँ से हम जाएंगे। अच्छा यार, फ्यूल कैन आप लोग उठा लिया करो क्योंकि बहुत काम आते हैं। अब देखो मेरी गाड़ी में फ्यूल की कमी नहीं होगी। सॉरी ड्राइविंग मिस्टेक, थोड़ा कमज़ोर ड्राइवर हूँ। अभी एक दफ़ा फिर जाके धज वैसे तो अच्छा फ्यूल उठा लिया करो, फ्यूल बड़ा काम आता है, तो काफ़ी चीज़ों में अच्छा रह जाता है फ्यूल। अब काफ़ी चीज़ों में तो खैर नहीं, गाड़ी में काम आता है मगर गाड़ी में बहुत काम आता है। अभी भी मेरी गाड़ी बहुत वबल हो रही थी, मैंने कहा इसको एक और टायर फाड़ते हैं, तो ये मैं फाड़ने के लिए उतरा, मगर फिर मुझे समझ आया कि एक गलती कर चुका हूँ मैं, गाड़ी चली नहीं रही। तो फिर सामने मुझे गाड़ी नज़र आई, मैंने कहा अभी बस हो गया काम मेरा, अभी ऐसे हम ये गाड़ी पकड़ेंगे और FM रेडियो लगाएंगे और अब आप इंजॉय करें। Some keep it temporary, seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but it's hard just to start it. यहाँ पे ना मेरे पे फायरिंग हो रही थी तो लग नहीं रही थी मुझे, मगर इस तरह पता चलता है कि फायरिंग हो रही है आपके ऊपर, तो मैंने कहा यहाँ जाके कहीं प्रोन हो जाते हैं तो किसी को नज़र ना हो, वो समझेगा मैं भाग गया हूँ, तो मगर ये मेरी गलत फहमी थी। थोड़ी देर बाद मैं जब लेटा हूँगा तो जब मैं उठूँगा ना तो फिर मेरे दो तीन शॉट्स लगेंगे, मगर मुझे लगता है कि वो बॉट ही था। देखो लाइफ हेल्थ मेरी ज़्यादा नहीं गई, अब मैं भागूँगा तो बॉट है मेरे ख्याल में, तो वरना ज़्यादा लाइफ नहीं गई, अगर बंदा होता तो अभी तक मेरा किस्सा ख़त्म होता। भाई लोग बच के चल ले, भाई बच के मैं निकल जाता हूँ तो सही हो गया। यार अब यहाँ सीरियस उतर रहे हैं, अब यहाँ झंडे गाड़ेंगे या गड़ जाएंगे कोई पता नहीं। तो असल में यार मेरे से ना इतनी दफ़ा मुझे गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए थी, तो जब भी रोकी तब बड़ी मुश्किल से एडिटिंग करके मैंने सॉन्ग डाला, तो अगर आपको पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक करना और सपोर्ट करना। अच्छा यहाँ से मेडिकेट मिली है तो जितनी मिली अच्छी बात है, उठा लो जितनी हो भाई, जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी। तो यहाँ पर जोन काफ़ी छोटा मैंने नोट किया और 12 बंदे लाइव थे, तो भाई मैंने कहा यहाँ से खिसक लेते हैं, मुझे पानी नज़र आया, मैंने कहा यार पानी के अंदर जाके ना डाइव कर लेते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा सा थोड़ी देर मुंह निकालेंगे किसी को नज़र नहीं आएंगे। तो मगर जब हम पानी के अंदर पहुँचे तो पता चला पानी बहुत कम है, तो यहाँ पे हम प्रोन नहीं हो सकते, तो फिर अब यहाँ रुकना बहुत बुरा आइडिया था। तो हमने कहा यहाँ सामने घर है, इनमें से किसी एक घर में जाके हम कैंप कर लेते हैं सुकून से, यही किया हमने। तो लगा मुझे लग रहा था कि वेयर हाउस में एक बॉट है, तो अब मैं जाऊंगा, ये एक रिज़र्वेशन आ गई दोस्त की, तो मैं यहाँ से साइड से जाऊंगा और उस वाइट वाले घर में शायद रुकूंगा, शायद हाँ वहीं रुकूंगा। तो लग रहा है आगे सामने बंदे, तो इसलिए मैं प्रोन हो गया था यहाँ पे, चुपके चुपके निकल जाऊँ क्योंकि 11 बंदे बहुत ज़्यादा हैं। वो देखो वो ब्लू कपड़े में एक वेयर हाउस में बॉट था, तो जैसे कि मैंने कहा था बॉट है, तो यहाँ मैं बूस्ट अप कर लेता हूँ, जितना बूस्ट अप होगा उतना अच्छा होगा। ड्रिंक पियेंगे, यहाँ पर एक ही ड्रिंक बची है, बहरहाल पेन किलर्स हैं मेरे पास तो ये एक अच्छी बात होगी, प्लस पॉइंट है मेरे पास, मगर पेन किलर देर लगाते हैं, मगर अब क्या कर सकते हैं। और ये बैंडेजेस एक
बहुत नुकसान है बैंडेज ना रखना आपके पास। अगर आप फ्री चिकन डिनर कर रहे हो बैंडेज कभी ना रखना, टाइम वेस्ट है ये। आप इनको लगाने में जितनी देर लगाओगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहायत ही फजूल आइडिया ये लगाना। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठा रहूँगा, देखो फुटस्टेप्स आ रहे हैं। तो डर गया था मैं यार, फुल बहुत डर गया था भाई। लोग बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी देर तक हम खेलते रहे इसी तरह, रेंड पे जाके मर जाते थे। अब जोन में इतने से जोन में काफ़ी कम लोग बचते थे, 5 या 4, और वो सारे प्रो थे। इसमें लगता है वो फुटस्टेप्स आए भाई। ओ भाई सामने फायरिंग हो रही है, तो अब जोन भी मेरे ख्याल से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वन देखो, अब जोन भी स्टार्ट हो चुका है, श्रिंक होना। मेरे ख्याल से वो बॉट चला गया है, तो अगर वो चला गया तो हम पीछे से जाएंगे। जी हाँ बॉट जा चुका है, फुटस्टेप शायद उस बॉट की थे, भाग रहा होगा जोन से। तो अब हम जोन के अंदर भागेंगे, अभी जोन आ जाएगा, बहुत हील लेगा ये जोन, बहुत हील। तो बूस्ट अप फुल किया हुआ है, सही है, मेडिकेट भी है, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे यार M24 से फायरिंग हो रही थी मेरे पे, एक आगे स्नाइपर बैठा था, वो कतई जालिम स्नाइपर था, M24 चला रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि एंड पे मेरा इसी के साथ फेस टू फेस अगर हो गया मुकाबला तो फिर तो मैं नहीं बचता। तो भाई उम्मीद ही थी, तो यहाँ पे मैंने कवर ले लिया। तो उसकी गोलियाँ आ रही थी मगर मुझे लगी नहीं थी, थोड़ा माटा स्नाइपर था, लगी नहीं थी मुझे कोई भी। तो जोन आ रहा था तो यहाँ पे मैं बैठ गया, जब तक श्रिंक नहीं होता। तो मैंने एक बात नोटिस की कि मेरा पैन बड़ा चमक रहा है, क्योंकि घास में देखो, घास में घिली सूट कॉमोफ्लेज दे रहा है मगर ये पैन काम ख़राब कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पैन का ज़रा हम, यहीं तक सफ़र था हमारा पैन के साथ, काम तो वैसे कोई आया नहीं हमारे टायर फाड़ने के अलावा, तो मैं भी इस पैन को फेंक दूँगा। अब उठ के भागेंगे भाई, इतना बॉटों से बड़ा डर लग रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है बॉटों से भाई, बॉट ही मार देते हैं। और यार असल में खेलना है हमने प्लेटिनियम टीयर से अबव, वरना मेरे पास बॉट की आईडी वहाँ से तो 3-4 दफ़ा मैं कर चुका हूँ। ये बॉट ही होते हैं, आपस में लड़े होते हैं, कोई मसले नहीं होता, मगर इसमें एंड पे बचती वो प्रो प्लेयर हैं यार, जिनके पास एंड तक सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। मगर वही मैंने आपको कहा था कि लक ने हमारा साथ दिया था, बेचारा एंड पे एक बॉट तो खैर नहीं था मगर कोई ख़ास प्लेयर भी नहीं था। तो अभी हम भागेंगे यहाँ से, जोन आ रहा है यार। यहाँ पे बड़ा बुरा सीन होता है मेरे साथ, बड़ा बुरा सीन, दिल की धड़कनें रुक गई थी मेरी, बल्कि आपको कैम माइक अच्छा है तो आपको आवाज़ भी आई होगी दिल की धड़कनों की। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से फुट भाई, आगे जोन काफ़ी छोटा रह गया, हमने कहा यहाँ से गुजर जाते हैं, बूस्टर वगैरह कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है मेरे पास, क्योंकि ड्रिंक नहीं एनर्जी तो वो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से उठ के भागेंगे। हाँ जी यहाँ से, अच्छा सामने वाले घरों में बंदे हैं, देखो फायरिंग हो रही है मगर करीब नहीं हो रही मेरे ख्याल से, वो जोन के बाहर है बंदा जो फायरिंग कर रहा था M24 वाला। ये देखो फुटस्टेप्स आए, अच्छा मुझे पता है इस घर के अंदर बंदा है, मैं पीछे से क्या, अभी जोन देखो कैसे खा रहा है लाइफ। ओए हो वो बंदा भाई, बंदा देखो, ये काफ़ी फ़ायदा है इसका, इतने अगर आप बैंडेज लगाते हैं यहाँ पे तो अभी तक आपका काम ख़त्म हो चुका होता, बहुत लाइफ जा रही है। देखो यार आप लोग, हाँ यहाँ पे होता है वो सीन मेरे साथ, वो देखो एक पेटी से वो बंदा सामने मरा, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखना सौत ही बंदा खड़ा हुआ है भाई, भाग ले भाई फिर जोन में जाऊँगा। मेरे देखो 3-4 मेरी हेल्थ की टीं लग चुकी हैं, बड़ा नुकसान हो गया मुझे मगर बच गया। तो अब मैं जाऊँगा भाई अंदर। तो यहाँ भाई सरप्राइज में एक बंदा यहाँ पहले से ही खड़ा था, इसने मेरे पे 2-3 फायर खोला मगर मैं बच गया, भागा। तो यहाँ मैंने कहा दीवार में कवर लेता हूँ, मगर एक पीछे ही बंदा था। तो ये देखो बहुत हेल्थ ले ली इसने, ही ले ली मेरी, मैंने हेल्थ लगाई, गलती से पंच मार दिया मैंने, सब रुक गया, दोबारा लगाई। मेरे ख्याल से जो बंदा मुझे, अब जो इसने पीछे से फायर किया था वो मेरे ख्याल से जोन से बाहर, देखो ओ भाई भाग लो, ये देखो एक ये रहा जो अंदर था, और वो दूसरा बंदा मेरे ख्याल से वो M24 वाला ही है या दूसरा है कोई और है। बहुत कम लाइफ रह गई थी भाई मेरी, क्योंकि मेरी वेस्ट देखो पुल ख़त्म हो गई है। वो मर गया बंदा जिसने मुझे पीछे से मारा था, जोन के बाहर था या इसने मार दिया, जो भी हुआ बहुत ही ले रहा है यार मेरी, ये बॉट नहीं है तो, मगर कोई प्रो प्लेयर नहीं है, इतना ख़ास खेलना नहीं आता बेचारे को। तो ये देखो मैं इसकी सारी एमो ख़त्म करवा दूंगा बेचारे की, फिर ये अपने आप को नेड कर लेगा ये भाई। टीम अप लगता है, टीम अप का पता ही नहीं है बेचारे को, मारेगा यार ये। देखो लास्ट मेरे मेडिकेट थी, मैंने कहा भाई ये लगाओ और इसको नचाओ, अब देखना इसको नचाता रहूँगा मैं, इसके पीछे पीछे भागूंगा, ये मेरे पीछे मुँह करेगा मैं इसके पीछे चला जाऊँगा। ये देखो, अच्छा इसने फिर बताऊँ क्या सोचा होगा कि इसने कहा मैं ग्रेनेड करता हूँ, जिस तरह से पबजी में होता है कि दूसरा बंदा नॉक होता है फिर पहला, एक पंच लग गया गलती से, दूसरा बंदा नॉक होता है पहला बंदा बच जाता है,
मगर ऐसा हुआ नहीं, वो बेचारे के हाथ में फट गया, वो खुद ही मर गया बेचारा। ये देखो अभी नेट करेगा, ये देखो उसको लगा मैं इसके पास ही घूम रहा हूँ तो ये मैं भी मर जाऊँगा और ये बच जाएगा, मगर कुछ और ही हो गया और वो बेचारा मर गया। और इसी के साथ चिकन डिनर। यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और ये देखें अब मैं दिखाता हूँ कि ये मिल जाता है हमें, ये देखो फ्री चिकन डिनर, मज़े। अच्छा यार सारी अचीवमेंट्स अनलॉक करेंगे हम तो इसकी वीडियोस भी डालेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।